जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरडीएस लोधी फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं, रेल की पटरी पर पत्थर होते हैं जबकि मेट्रो की पटरी पर पत्थर नहीं होते हैं, ऐसा क्यों है, रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब दूंगा। इफ यू वॉन्ट कम्प्लीट नॉलेज प्लीज वॉच कम्प्लीट वीडियो बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम सब ने देखा है कि दुनिया में ऐसा कोई रेलवे ट्रैक नहीं है जिसके नीचे पत्थर नहीं हो, यानी कि गिट्टी न डाली गई हो। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि रेल की पटरी के नीचे पत्थर क्यों होते हैं। लेकिन आज के बाद अब जब भी आपसे कोई इसके बारे में पूछेगा तो आप उसे इसके कई कारण बता पाएंगे। इस वीडियो में हमने कुल 9 ऐसे कारण बताए हैं जिसके कारण रेलवे ट्रैक पर पत्थर होते हैं या पत्थर डाले जाते हैं। वैसे रेलवे ट्रैक हमें जितना सरल दिखाई देता है वास्तव में यह उतना ही जटिल होता है। रेलवे ट्रैक को कई चरणों में बहुत ही सावधानी के साथ बिछाया जाता है। रेलवे ट्रैक पर सबसे ऊपर धातु की पटरी होती है जिसे हम रेल कहते हैं, जिस पर ट्रेन चलती है। रेल या पटरी के नीचे स्लीपर्स होती हैं। ये स्लीपर्स छोटे छोटे खंभे होते हैं जिसके ऊपर पटरी व्यवस्थित रहती है। दोस्तों स्लीपर्स के नीचे पत्थर होते हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इन पत्थरों को ब्लास्ट कहते हैं। इन पत्थरों या ब्लास्ट के नीचे भी एक और पत्थर की परत होती है जिसे सब ब्लास्ट कहते हैं। फिर सब ब्लास्ट के नीचे छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं। इन छोटे छोटे पत्थरों को ब्लैंकेट कहते हैं। अब ब्लैंकेट या सबसे छोटे पत्थरों के नीचे एक विशेष प्रकार की मिट्टी डाली जाती है, फिर अंत में जमीन होती है। दोस्तों इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर सबसे नीचे जमीन होती है, फिर जमीन के ऊपर एक विशेष प्रकार की मिट्टी डाली जाती है, फिर उस विशेष प्रकार की मिट्टी के ऊपर छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं जिन्हें की ब्लैंकेट कहते हैं। उसके बाद फिर ब्लैंकेट के ऊपर उससे बड़े पत्थर डाले जाते हैं जिन्हें की सब ब्लास्ट कहते हैं, फिर सब ब्लास्ट के ऊपर सबसे बड़े पत्थर डाले जाते हैं जिन्हें की ब्लास्ट कहते हैं। ब्लास्ट या सबसे बड़े पत्थरों के ऊपर स्लीपर्स बिछे होते हैं और सबसे ऊपर रेल या धातु की पटरी होती है जो स्लीपर्स के ऊपर व्यवस्थित होती है और रेल या पटरी के ऊपर ट्रेन चलती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं और इससे क्या होता है। ट्रेन की पटरी पर पत्थर डालने के कई कारण होते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको इस वीडियो में टॉप 9 रीजन बताएंगे जिसके कारण ट्रेन की पटरी पर पत्थर डाले जाते हैं। रीजन नंबर 1, ट्रेन की पटरी पर पत्थर डालने की वजह से घास और झाड़ियाँ नहीं उगती हैं। रीजन नंबर 2, ट्रेन की पटरी पर पत्थर डालने से शोर कम होता है। रीजन नंबर 3, जब ट्रेन चलती है तो पटरियां बहुत तेजी से वाइब्रेट यानी कि कंपन करती हैं। इस वाइब्रेशन या कंपन को पटरी पर डाले गए पत्थर यानी कि ब्लास्ट सोख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशन या कंपन को कम करने के लिए पटरियों पर पत्थर डाले जाते हैं। रीजन नंबर 4, ट्रेन की पटरी के नीचे पत्थर डालने से उसके देखरेख की कम जरूरत होती है और आसानी से उसकी देखरेख भी की जा सकती है। रीजन नंबर 5, रेल की पटरी पर पत्थर होने के कारण कहीं पर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आसानी से पता चल जाता है। रीजन नंबर 6, रेल की पटरी पर पत्थर डालने से पानी जमा नहीं होता है क्योंकि पानी पत्थरों से होकर नीचे जमीन में चला जाता है। रीजन नंबर 7, ट्रेन की पटरियों में करंट फ्लो होता है। यदि कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा होकर पटरियों को छुए तो उसे करंट लग सकता है, लेकिन ट्रेन की पटरियों के नीचे पत्थर होने के कारण कोई भी व्यक्ति या जानवर सीधे जमीन और पटरी के संपर्क में नहीं आता है, इसीलिए उसे करंट नहीं लगता है और इस तरह से वह बिजली के झटके से बच जाता है। रीजन नंबर 8, रेल की पटरियों पर पत्थर डालने से बरसात और बाढ़ के समय में भी बहुत ही आसानी से पटरी पर ट्रेन को चलाया जा सकता है। रीजन नंबर 9, भारतीय रेल का वजन लगभग 10 लाख किलो होता है। इतने अधिक भार को सामान्य जमीन सहन नहीं कर सकती है, इसलिए भी पटरियों पर पत्थर का उपयोग किया जाता है। रेल की पटरी पर पत्थर होते हैं जबकि मेट्रो की पटरी पर पत्थर नहीं होते हैं, ऐसा क्यों है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेट्रो फ्लाईओवर पर चलती है जो कि पूरी तरह से कंक्रीट की बनी होती है, इसीलिए वहाँ घास और झाड़ियाँ उगने की कोई संभावना नहीं होती है, इसीलिए पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा और मुख्य कारण यह है कि मेट्रो और ट्रेन की स्पीड में काफी ज्यादा अंतर होता है। मेट्रो ट्रेन से काफी कम स्पीड पर चलती है जिससे कम वाइब्रेशन होता है और इस वाइब्रेशन को कम करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए मेट्रो की पटरी पर पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए मेट्रो की पटरी पर पत्थर नहीं होते हैं। इसके अलावा मेट्रो में ट्रेन की अपेक्षा काफी हल्के आर्मर और इक्विपमेंट लगे होते हैं, इसलिए भी मेट्रो की पटरी पर पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रेन की पटरी पर कभी जंग नहीं लगता है, और यदि यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती है तो शायद आपका जवाब भी यही होगा कि लगातार ट्रेन पटरी के ऊपर चलती रहती है इसीलिए पटरी पर जंग नहीं लगती है। लेकिन आपको बता दें कि ट्रेन की पटरी पर जंग नहीं लगने का ये कारण नहीं है। रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार जंग क्यों लगती है। तो आपको बता दें कि लोहा जो कि आयरन होता है यदि ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो लोहा जब आयरन ऑक्साइड बना लेता है तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है जो कि आयरन ऑक्साइड होती है। इसी भूरे रंग की परत को जंग कहते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जंग क्या है तो आप उसे बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि जंग आयरन की ऑक्साइड होती है। दोस्तों ट्रेन की पटरियों को जंग से बचाने के लिए स्टील और मैंगलॉय को मिलाकर रेल ट्रैक बनाया जाता है। इस मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहते हैं। मैग्नीज स्टील की सबसे खास बात यह होती है कि यह नमी और ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है जिसकी वजह से इस पर जंग नहीं लगता है। अब चूंकि रेल ट्रैक को मैग्नीज स्टील से बनाया जाता है इसीलिए रेल ट्रैक पर जंग नहीं लगती। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कम्प्लीट दिस वीडियो।